Hey guys, today I'm going to introduce you to Professor Mohammad Muzammil Khan Waziri. Hi sir. What are you doing nowadays? Hello. Actually, I think you were asking for this project. Yes. So this is the first ever full-fledged international level rugby stadium in Pakistan, which is going to build and going to complete very soon in Tehsil Fort Abbas at Government Degree College Fort Abbas. So this is the full-fledged international level rugby stadium, first ever in Pakistan. तो इसका जो ऐसी कोई भी इसमें चीज नहीं है जो कमी रहेगी. इसमें लाइट्स हैं, ट्यूबवेल है, ड्रिपिंग सिस्टम है. तो ये जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, ये यहाँ पे बन रहा है कोई 9 करोड़ की लागत से. तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला फुल फ्लेज इंटरनेशनल लेवल का रग्बी स्टेडियम है जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फोर्ट अब्बास में बन रहा है. और ये जो जब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने देखा कि फोर्ट अब्बास की तहसील में डेजर्ट में इतनी रग्बी खेली जाती है और यहाँ के लड़के पूरी दुनिया में रग्बी खेलते हैं, तो ये उन्होंने हमें अवार्ड किया है और मेहरबानी की है इस इलाके के एथलीट्स के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर जो रग्बी के एथलीट्स हैं. तो ये बहुत जल्दी 2-3 महीनों के अंदर बनने जा रहा है और कम्प्लीट होने जा रहा है. यू आर टॉकिंग अबाउट रग्बी, आई थिंक. मैं 2006 में जब मेरी जॉब हुई थी एज ए लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे ऊपर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फोर्ट अब्बास में, तो जाहिर है मैं LRFC में खेलता होता था लाहौर में रग्बी. तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने जो गेम स्टार्ट करवाई है वो रग्बी की ही करवाई है. तो रग्बी उन म्यूचुअल स्पोर्ट्स में नहीं है जो पहले से लोग यहाँ पे खेलते हैं, तो जाहिर है बड़ी मुश्किल आई उसको लोगों को बताने में और सिखाने में. लेकिन बहुत जल्दी मैं इसके अंदर कामयाब हो गया और इस गेम पे लोगों को लगा दिया और उनको सिखाने में कामयाब हो गया. और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों में लोग यहाँ पे हैं. कोई यहाँ का स्कूल कॉलेज पूरे डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर का, फोर्ट अब्बास का नहीं है जहाँ पे इस खेल को कोई जानता ना हो. देखें, चीज़ों को जितना भी आप करते जाएंगे तो वो कभी कभी उनमें हर्फ आखर तो होता नहीं है, आप इसको करते रहते हैं. तो प्लान तो एक ही है कि टू डिवेल्प, इंट्रोड्यूस, एजुकेट दिस एरिया यूथ विद द डिवेल्प वर्ल्ड इस गेम के जरिए थ्रू रग्बी. तो वो हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं और आगे भी यही कर रहे हैं कि जो हमारे इलाके के लोग हैं, लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हम रग्बी की वजह से एजुकेट करें, तालीम दिलवाएं और रग्बी ही की वजह से उनको दूसरी जो तरक्की याफ्ता दुनिया है उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाएं. तो आगे भी यही प्लान है. जैसे कि हमारे कोई 40 लड़के ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं फोर्ट अब्बास के, और इसके अलावा इतने ही लड़के और लड़कियाँ 45 के करीब लाहौर की बड़ी यूनिवर्सिटियों में रग्बी स्कॉलरशिप्स के ऊपर पढ़ रहे हैं. और अगला भी हमारा प्लान यही है कि यहाँ की और जो यूथ है, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनको हम एजुकेशन के लिए रग्बी के ज़रिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भेजें. जी, थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस टाइम. वी डू अप्रिशिएट योर सर्विसेज एंड योर हार्ड वर्क व्हिच यू आर डूइंग. मे गॉड ब्लेस यू एंड आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट.